नमस्कार साथियों, परिवर्तन आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग बात करेंगे 18 जून 2018 के द हिंदू की, और इसमें हम एडिटोरियल सेक्शन को भी इंक्लूड करेंगे और जो जनरल न्यूज़ होती है उनको भी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो न्यूज़ है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अभी नीति आयोग की मीटिंग हुई थी। नीति आयोग के आप जानते होंगे अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और अन्य जो मुख्यमंत्री होते हैं उसके सदस्य के रूप में होते हैं। और एक तरीके से जो टीम इंडिया का कंसेप्ट दिया था, टीम इंडिया का कंसेप्ट का मतलब ये था कि सभी राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम कर सके। तो एक बार फिर से डिबेट हो गया कि साइमल्टेनियस पोल्स हो या एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए, इस बारे में डिबेट जो है वो वापस फिर से शुरू हो गया। अच्छा, आपको क्या लगता है पर्सनली कि एक साथ चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आपका पक्ष जरूर रखिए इसमें। ठीक है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आगे है, देखिए अभी जो सीज फायर चल रहा था लगभग एक महीने तक चला और इसके बाद सरकार ने अंततः निर्णय लिया है क्योंकि बहुत सा प्रेशर था। दो घटनाएं इसके लिए सबसे बड़ी रीजन बनी। एक थी जो इंडियन आर्मी के सोल्जर थे औरंगजेब, उनकी हत्या कर दी गई मिलिटेंट्स द्वारा किडनैपिंग करके। और इसके अलावा जो सुजात बुखारी थे जो राइजिंग कश्मीर के एडिटर थे उनकी भी हत्या कर दी गई थी। दो ऐसे केसेस ने पूरे जम्मू एंड कश्मीर को हिला के रख दिया पूरी तरीके से, और दूसरी ओर पूरी कंट्री में को एक मैसेज दिया, गवर्नमेंट पर एक प्रेशर आया कि आपको इनके खिलाफ वो रिज्यूम करना पड़ेगा। और इन सब में हुर्रियत जो लीडर्स हैं, जो सेपरेटिस्ट अलगाववादी नेता, उनकी बड़ी भूमिका रही है। वो हमेशा से इस तरह की पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, बातचीत करने को प्रॉपर तैयार नहीं हुए, या उनसे बात करने का जो तरीका अपनाएगा वो भी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने वो खुद नहीं चाहते कि हम बात करें, वो खुद नहीं चाहते कि हम लोग फाइनली कुछ इस पर इश्यूज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। तो ये फिर से स्टार्ट हो रहा है ऑपरेशन ऑल आउट। ऑल आउट का मतलब ये कि सभी जितने मिलिटेंट्स होंगे या मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे उन सबको सच में ऑल आउट किया जाएगा, इन द सेंस कि उनको इस दुनिया से बाहर भेजने का रास्ता जो है शुरू किया जाएगा। आगे चलते हैं, धनुष मिसाइल के बारे में आई है। धनुष जो है एक मिसाइल नहीं, सॉरी एक गन है। ठीक है, एक गन है और ये स्वीडिश बोफोर्स गन का एक तरीके से इंडियन वर्जन है, यानी स्वदेशी गन है। और जो बोफोर्स 1980 में चर्चा में रहा, बोफोर्स वही है जिसमें राजीव गांधी साहब का नाम आता है कि बोफोर्स घोटाला हुआ है, कांग्रेस का नाम आता है उस समय 1988 वाला जो सेशन था उस समय। ठीक है, और इस वजह से सरकार भी गिर गई थी, इलेक्शन में हार गई थी, बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्वीडन की एक ये कंपनी है बोफोर्स, और हमने डेवलप किया धनुष आर्टिलरी गन। ठीक है, अब ये है क्या, मैं आपको इसको थोड़ा फोटोग्राफ दिखाता हूँ। तो ये आप यहाँ देखेंगे, ये वाली है जो ये गन है इसको, और इसमें थोड़ा सा हम समझें तो 155 mm की है और 45 कैलिबर इसमें होती है। 36 किलोमीटर तक इसकी रेंज और 38 तक भी इंक्रीज की जा सकती है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कंपेटिबल विद ऑल जो नाटो की जितनी भी इस तरह की गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, उनके साथ तुलना की जा सकती। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ये बड़ी अचीवमेंट कह सकते कंट्री के लिए है। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी फ्रंट पेज पर। फ्रंट पेज का ही एक एडिशनल है कनेक्ट करके अगर हम बात करें तो। अब चलते हैं हम लोग एडिटोरियल सेक्शन में। देखिए, एडिटोरियल में आज वास्तव में एक आर्टिकल, इसको आर्टिकल को छोड़ दीजिए तो कोई खास ऐसा आर्टिकल नहीं है जो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सके, लेकिन फिर भी इनको ब्रीफ में हम लोग देखेंगे। सेकेंड पेज पर इससे पहले मैं आपको बता दूँ, सेकेंड पेज पर आर्टिकल जो है जयराम रमेश साहब का, कांग्रेस की, उन्होंने कोई बुक लिखी उसको रिव्यू कर रहे हैं खुद ही, तो हम उस चीज़ को नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बात करते हैं कि अभी हाल ही में नीति आयोग ने कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ये सूक्त जल प्रबंधन सूचकांक जो है जारी किया, और इसमें बताया गया कि इंडिया में
लगभग 70% जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो पोल्यूटेड हो चुके हैं, ठीक है। और ये जो डाटा भी यहाँ पर जो ये जारी किया नीति आयोग ने कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, या फिर इसकी वजह से जो साफ दिखाता कि भारत के अंदर वाटर क्राइसिस या जल संकट एक तरीके से और गहरा होता जा रहा है, और जो वाटर की क्वालिटी है या उसका जो वाटर की क्वालिटी वो डाउनफॉल हो रही है। ये जो डाटा कैलकुलेट किया गया है, डाटा जो बेस्ड है वो बेसिकली स्टेट्स ने कैलकुलेट किया है, और यहाँ बताया गया कि जो मिलियंस ऑफ पीपल्स हैं अगर कंटेमिनेटेड या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो प्रदूषित या संदूषित पानी पिएंगे तो भैया सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी। और जो राज्यों को रेटिंग का सिस्टम है कि किस प्रकार का परफॉर्मेंस उन्होंने किया वाटर रिसोर्सेज के मामले में, जल संसाधन के मामले में, और वाटर स्टेट इन द सेंस जल संरक्षण के मामले में, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना इन्वेस्ट किया, रूरल एंड अर्बन ड्रिंकिंग वाटर में उन्होंने कितनी किस कितना प्रोवाइड किया वाटर, ठीक है, और एफिशिएंट एग्रीकल्चर यूज का मतलब है कृषि क्षेत्र में किस प्रकार से सही इस्तेमाल किया जा सके, इस बारे में ये फैक्टर्स काम किए गए इस इंडेक्स को तैयार करने में, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसका एक पर्पस था कि कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी एक तरीके से एक दूसरे राज्य एक दूसरे से तुलना करे, अपने अपने आप को बेहतर करे, प्रतिस्पर्धा करे, और एकीकृत संघ की स्थापना हो सके, और जो मजबूत संघ की स्थापना इस बारे में हो सके दोनों राज्य और केंद्र सरकार काम कर सके। फिर राज्यों का कुछ डाटा दिया गया, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, इन राज्यों ने जो है काम अच्छा किया, लेकिन जो दूसरे राज्य जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार इस मामले में पिछड़ गए। इसके अलावा तमिलनाडु का जो परफॉर्मेंस रहा वो भी एक एवरेज टाइप ही है, ठीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं लगभग 600 मिलियन पीपल जो है वो स्ट्रेस फेस करेंगे, या एक तरीके से उनको वाटर की कमी महसूस होगी, या फिर इन फ्यूचर वाटर क्राइसिस या वाटर का इफेक्ट वहाँ पर देखने को मिल सकता है। लगभग 600 मिलियन का मतलब है कि अगर 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं तो आप काउंट करिए कितनी बड़ी अमाउंट हो जाएगी, ठीक है। देखिए अभी आवश्यकता क्या है, मेजर रिफॉर्म कहाँ करने की आवश्यकता है। पहली चीज तो हमें है ना स्टोर करना पड़ेगा, वाटर सेड करना पड़ेगा, जो अच्छा जल है उसको यानी जल संरक्षण करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में या फिर जो घरेलू यूज हो या हैबिटेशंस में यूज होता है उनमें भी उसको सही तरीके से किस तरीके से यूज कर सकते उसको करना पड़ेगा। पोल्यूशन कंट्रोल एनफोर्समेंट जितने भी हैं या जितने भी प्रदूषण नियंत्रण जो लागू होते हैं नियम्स उनको स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ये फैक्टर यहाँ काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी एक कमेटी बनी थी रिस्ट्रक्चरिंग द सेंट्रल वाटर कमीशन, जो केंद्रीय जल आयोग है उसको दोबारा से स्ट्रक्चर करने के लिए कमेटी बनी थी, और जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है उसके ऊपर भी सेंट्रल केंद्रीय भूजल आयोग उसके ऊपर एक कमेटी बनी, ये चेयर की गई, ये इसके अध्यक्ष थे मीर शाह, ठीक है। और इसके माध्यम से एक यूजर सेंट्रिक अप्रोच, मतलब जो यूज करना उसके बेस पर एक तरीके से अप्रोच अपनाई जाए, मैनेजमेंट किया जाए, स्पेशली इन एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये बताता कि इरिगेशन कमांड्स जितनी भी होती है सिंचाई से रिलेटेड जो एरिया है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी स्कीम्स है इससे रिलेटेड सेंट्रल और स्टेट दोनों उसमें प्रॉपरली काम करें। और यहाँ एक एग्जाम्पल दिया कावेरी रिवर का, कि कावेरी रिवर में अगर जिस प्रकार से इश्यूज हुए उस प्रकार के इश्यूज ना हो, इसलिए एक लीगल प्रोसेस इसमें हो, ठीक है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रीटमेंट हो प्रॉपरली, चाहे वाटर सप्लाई से रिलेटेड हो, और अर्बनाइजेशन जो तेजी से बढ़ रहा है उसमें एक मैनेज्ड अर्बनाइजेशन हो, ठीक है, सही दिशा में शहरीकरण हो, ये चीज़ें ध्यान रखनी है हम लोगों को। अच्छा जो यहाँ कावेरी नदी का डिस्कशन किया गया तो आप लोगों से एक सवाल है कि कावेरी सबसे पहले तो किन स्टेट्स के बीच से क्रॉस होती है, और दूसरा कावेरी की मेजर ट्रिब्यूटरीज और सहायक नदियाँ कौन सी हैं, अगर आप मेंशन करना चाहें तो जरूर करिए इसमें, ठीक है।
देखिए चेंज इन मेक्सिको सेकंड आर्टिकल है, आर्टिकल का मुद्दा क्या है और कितना गंभीर है हम इसको देखते हैं। देखिए अभी वहां पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है 1 जुलाई से, ठीक है, और जो फिलहाल पॉलिटिकल पार्टी है ये माना जा रहा है कि वो शायद हार जाए, तो हमारे लिए आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक मैसेज इम्पोर्टेंट है, वो इन द सेंस कि यूनाइटेड स्टेट से जो बॉर्डर शेयर करती है मेक्सिको, और मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप में चल रहा है इन दिनों, वो सिनेरियो जो है एक तरीके से अलग कि वर्ल्ड के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है ये इम्पोर्टेंट है। कौन जीतता है कौन हारता है इन चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जब इलेक्शन आ जाएगा तो कहीं फैक्चुअल क्वेश्चन किसी एग्जाम में आ सकता, लेकिन यूपीएससी में नहीं पूछेंगे मेक्सिको का प्रेसिडेंट या राष्ट्र प्राइम मिनिस्टर कौन बना, इस तरह के क्वेश्चन नहीं होने वाले, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए इसमें इस आर्टिकल में भी ज्यादा कोई बड़ा ये धांसू आर्टिकल नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन पर हम लोग बात करेंगे। पहली बात ये है कि ये आर्टिकल 3 फैक्टर पर काम करता है, पहला है प्रणब मुखर्जी साहब, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा है उनका विजन हिस्ट्री से रिलेटेड, हिस्ट्री बच्चों में नॉलेज कितनी है। अभी हाल ही में आप जानते होंगे उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के हेडक्वार्टर पर एक स्पीच दिया, ठीक है, प्रणब मुखर्जी साहब ने, और उसमें एंडिंग में उन्होंने डिस्कशन किया कि नेहरू जो थे वो टॉलरेंस थे, इक्वलिटी टू ऑल सिटीजन में विश्वास करते थे, सभी नागरिकों में समानता की बात पर विश्वास करते थे, और भारत की बहुलतावादी संस्कृति में वो विश्वास रखते थे, ठीक है। 3 फैक्टर्स यहाँ हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, लेकिन ये बता रहे कि ये जो व्यू है या जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था 1947 में जब हम आज़ाद हो रहे थे कि हम नए भारत की डिस्कवरी करेंगे या हमने दोबारा से एक तरीके से अपने आप को डिस्कवर किया है, तो एक कन्फ्यूजन है इस चीज़ में। पहली चीज़ प्रणब मुखर्जी साहब लॉयलिटी दिखा रहे हैं, ये एग्जैक्टली बोला गया कि लॉयलिटी दिखा रहे हैं नेहरूवन कल्चर के, नेहरूवन फैमिली के साथ, नेहरूवन कल्चर के साथ, ठीक है। दूसरी बात बोली गई कि जब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया की, आप बोल रहे हैं कि हम नए भारत की खोज करेंगे, तो यहाँ भी एक डायलिमा है कि इससे पहले क्या भारत इतने गलत में था या भारत की सिचुएशंस केवल इसी के बेसिस पर खराब हुई, तो ये सारा सिनेरियो कि उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, वो थिंकिंग कैसे करते थे, उनके बेसिस पर घूमती है। और लास्ट में एक छोटा सा सर्वे, ये देखिए वैसे बहुत बड़ा आर्टिकल लंबा चौड़ा छाप रखा, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। और बीच में ये बोलते हैं एक सर्वे हुआ, और सर्वे में जैसे एक सेकंड मैं सर्वे आपको दिखाता हूँ, वो वाला ये देखो, यहाँ एक सर्वे हुआ, एक सर्वे हुआ और वहां पर एक क्वेश्चनिंग किया गया बच्चों को जो 11th जो 6th क्लास में से 8th क्लास तक पढ़े हैं और अभी 9th क्लास में जाएंगे, प्राइवेट और सरकारी स्कूल दोनों के बच्चों के, उनसे एक सवाल किया गया, हु डिड इंडिया बिकम फ्री फ्रॉम, भारत किससे आजाद हुआ। हमने उन्होंने 4 ऑप्शन दिए, बॉन्डेज टू ट्रेडिशन, ठीक है, जो परंपराओं का जो एक तरीके से संबंध था, जुड़ाव था ब्रिटिश रूल से, मुस्लिम रूल से, और ऑल फॉरनर्स से। तो इसमें मोस्टली बच्चों ने आंसर दिया मुस्लिम रूल से। तो बच्चों को टेक्स्ट में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या चीज़ें समझ में आ रही है, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी जो ये रियलिटी है इंडिया में, एजुकेशन सिस्टम जो है वो क्वालिटेटिव नहीं हो रहा है। क्वांटिटी में हम लोग हो सकते हैं बोले कि 75% हमने लिटरेसी रेट या साक्षरता दर हासिल कर ली है, लेकिन एग्जैक्टली हमने वो क्वालिटेटिव अप्रोच इसमें नहीं हमारी दिखती कि हमने कुछ गुणवत्तापूर्ण कुछ हासिल किया इसमें, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। देखिए ये वाला आर्टिकल जो है सुजात बुखारी पर है, और एज ए जर्नलिस्ट ये इनका काम है लिखना, लेकिन एक चीज हमारे लिए अगर हम प्रस्पेक्टिव केवल अपने प्रस्पेक्टिव देखें तो उनकी डेथ होती है एक जर्नलिज्म पर फ्री एक तरीके से मीडिया रिपोर्टिंग किस प्रकार से फ्रीडम हो सकती है इस बारे में। अच्छा आप लोगों को कमेंट करना है, अभी सुजात बुखारी साहब चर्चा में, तो एक सवाल है कि जो
प्रेस की फ्रीडम से रिलेटेड एक इंडेक्स रिलीज किया जाता है, उस इंडेक्स का आपको नाम बताना और किसके द्वारा वो रिलीज किया जाता है आप वो जरूर नीचे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो अभी उनकी डेथ हुई, उन्हीं पर बातचीत हो रही, हम इस पर काफी डिस्कशन कर चुके हैं, तो एडिटोरियल में डिस्कशन करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि कैसे डेथ हुई, सिचुएशंस क्या है, सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस्ड है। यहाँ थोड़ा अलग प्रोस्पेक्टिव में भी बताया गया कि बीजेपी ने क्या किया, पीडीपी ने क्या किया, ये सारी चीजें यहाँ घूमती रहती है। तो आप इसको एक स्टोरी टाइप में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ ये नहीं बताया गया कि आप कैसे एक तरीके से हम लोग डेवलप करेंगे सिस्टम को, या फिर मीडिया रिपोर्टिंग की कैसे सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट एक स्टोरी बताएगी कि हुआ क्या है एग्जैक्टली, राइट। तो इसको आप देख सकते हैं, देखना चाहे आपको मन करे तो, नहीं तो छोड़ देना। देखिए यहां पर भी सुजात बुखारी के बारे में है, और ये वाला जो आर्टिकल है वो जयराम रमेश साहब ने एक बुक लिखी है इंटरेस्टेड लाइज, इस बुक्स का रिव्यू अपने आप ही कर रहे हैं, ये सही बात है, हमने बुक में क्या बताया वो बता रहे हैं। तो अब इसको चूंकि देखिए कि ये पॉलिटिकल पार्टी की व्यूज होते हैं, और यहाँ पर इन व्यूज में अगर हम देखेंगे तो क्योंकि ये एक पॉलिटिकल के है तो वो वन साइड व्यूज होते हैं, ठीक है, प्रॉपरली नहीं होते, जिसको एवोल्यूशन बोल सकते हैं या जिसको प्रॉपरली दोनों पक्ष इंक्लूड करें वो इसमें नहीं इंक्लूड होंगे, तो ये वन साइडेड है। आगे देखते हैं, देखिए कावेरी नदी जब चर्चा में थी तो इस समय आप देखेंगे कि काबिनी, मैंने एक ट्रिब्यूटरी बता दी, काबिनी जो उसकी ट्रिब्यूटरी है वहां से उसका पानी छोड़ा गया। देखिए कितना पानी यहाँ पर आप देखेंगे, और कैसे ये इवन जो अपरदन बोल सकते हैं, यहाँ से देखिए मिट्टी किस प्रकार से कट रही है, ये पानी इतना प्रेशर वहां पर इसमें देखने को मिल रहा है। तो ये सिचुएशन है कि हम स्टोर नहीं कर पा रहे, स्टोरेज कैपेसिटी हमारी नहीं है, ये वाटर शेड जिसको बोल सकते हैं, जल संरक्षण विधियां उनमें हमें और भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। या मैट्योर डैम के बारे में डिस्कशन किया गया, आपको बता रहा मैट्योर डैम कहाँ है और किस नदी पर है, ठीक है, तो मैट्योर डैम का कमेंट जरूर करिएगा। देखिए ये अभी बात हुई है नेशनल हेल्थ स्कीम जो अभी लॉन्च हुई थी, जैसे नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम जिसमें है, तो इसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बोला कि भाई आप जो स्कीम लॉन्च कर रहे हैं वो देखने और सुनने के लिए सही है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल क्यों नहीं, वो ये बता रहे हैं कि आपने जितने पैसे में बोला कि हम लोग हेल्थ केयर और सिक्योरिटी इंश्योर कर देंगे, ये तो एक तरीके से रिस्क लेने जैसी बात है, आप पेशेंट की हेल्थ से रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पर पूरी बातचीत है, पूरी डिबेट चल रही है, तो ये अपना पर्सपेक्टिव है इनका कि पैसे बहुत कम, ये रियलिटी है, लेकिन फंडिंग जो होगी इस स्कीम के लिए कम से कम 1,00,000 करोड़ पर ईयर चाहिए, एक रिपोर्ट है ये, 1,00,000 करोड़ पर प्रतिवर्ष इसके लिए चाहिए इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अदरवाइज सच में ये भी है ना, आप फिर आधी सिक्योरिटी होगी हेल्थ की, तो कहीं ना कहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का पक्ष भी अपनी जगह सही है कि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल है या सरकारी हॉस्पिटल है ये कुछ पैसों में सिक्योरिटी इंश्योर कर देंगे, इस बात पर डाउट है, ठीक है। और इसके बारे में नेशनल हेल्थ प्रोडक्शन स्कीम के बारे में हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन नेशनल हेल्थ प्रोडक्शन स्कीम पर आपसे एक क्वेश्चन जरूर है कि इसमें ये बोला गया है कि 10 करोड़ परिवार और 50 करोड़ लोग जो है वो शामिल किए जाएंगे, तो आपको एक कमेंट करना, एक चीज़ छूट जाती है, तो इसमें कौन सी सर्विसेज के लिए, हेल्थ में 3 मेजर सर्विस होती है, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और टेरिसरी हेल्थ केयर, प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्र, तो किस सेक्टर पर इसमें बल दिया गया है वो आपको नीचे कमेंट करना अगर किसी को पता है तो। आगे चलते हैं, देखिए बिजनेस सेक्शन में ये लास्ट न्यूज हम डिस्कशन करेंगे, उसके बाद एक लास्ट जो लास्ट पेज है वहां पर इतना बताया गया है
माउंट एवरेस्ट वाला जो है कि वहाँ पर गार्बेज हो गया है बहुत ज़्यादा, और जो माउंटेनिंग करते हैं जो लोग पहाड़ पर जाते हैं वहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर, उसमें काफ़ी गार्बेज देखने को मिला है। यहाँ हम लोग देखते हैं MCLR और बेस रेट के बारे में, मर्ज करने की आवश्यकता क्यों है इसके बारे में, और ये है क्या बेसिकली, तो इनको पहले देख लेते हैं MCLR और बेस रेट में है क्या। ठीक है, देखिए इसमें 2016 में जब MCLR अप्रैल 2016 में MCLR मार्जिनल कॉस्ट बेस जो लैंडिंग रेट थी कि कितनी कॉस्ट होती है उसके बेसिस पर आप इंटरेस्ट रेट जो है डिसाइड करेंगे, ये RBI डिसाइड करेगा। और MCLR और बेस रेट में दोनों में हालांकि एक सिमिलरिटी है कि आप एक लिमिट के बाद एक लिमिटेशन से उससे नीचे लोन नहीं दे सकते। ठीक है, लेकिन MCLR कहीं बेहतर क्यों है, क्योंकि इसमें ऑटो लोन्स और पर्सनल लोन जो है वो इंक्लूड ही नहीं होते, इसलिए ये बेहतर माने जाते हैं। और इसलिए UPSC ने भी एक बार सवाल पूछा था कि MCLR है क्या। ठीक है, तो ये इसमें अंतर है थोड़ा सा, और इसमें जो इंटरेस्ट रेट RBI द्वारा डिसाइड किया जाता है उसी के बेसिस पर MCLR काम करती है प्रॉपरली। ठीक है जी, तो ये दोनों में डिफरेंस है दो वर्ड्स में, हालांकि बहुत लंबे चौड़े डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन एक समझ के लिए ज़रूरी है कि ये MCLR बेस रेट से कहीं बेहतर है। ये यहाँ पर जो आर्टिकल है वो बेसिकली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, और सरकार द्वारा जो भारतमाला और एक तरीके से यहाँ पर एक सागरमाला इस तरह के प्रोजेक्ट जो डेवलप किए जा रहे हैं इनके माध्यम से, और कितना कॉस्ट कितने मतलब ग्रोथ रेट बढ़ी है ये तो सभी जानते हैं कि हम लोग लगभग अभी ग्रोथ रेट में काफ़ी एक्सेलरेट किया है, हाईवे तेज़ी से बन रहे हैं, और अगर हम भारतमाला प्रोजेक्ट की बात करें तो लगभग 5,45,000 करोड़ के आसपास खर्च किए जाने हैं भारतमाला, जिसके माध्यम से पूरे इंडिया में एक तरीके से रोड डेवलप किए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। और इसी तरीके सागरमाला की बात करें तो जितने भी जो कोस्टल कंट्री हैं, तटीय देश हैं, और ख़ासकर जो जहाँ पर पोर्ट्स हैं, ठीक है, उनको कनेक्ट करना एक दूसरे से, ये बेसिक टारगेट है इनका दोनों स्कीम से। तो जब भी आपसे हाईवे से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो दोनों को आप जरूर पुट करेंगे यहाँ पर। और थर्ड आता सेतु भारतम, सेतु का मतलब होता है ब्रिज, यानी आप जो क्रॉसिंग होती है फॉर एग्जांपल रेलवे और रोड की उनके बीच में पुल्स डेवलप करने हैं ये बेसिकली, और जो पुल पहले बने हैं उनको प्रॉपरली रिकंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो ये इसमें माजरा है। देखिए ये यही बता रहा था मैं, माउंट एवरेस्ट के बारे में थी कि अभी हाईएस्ट डंप वहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए कचरा कितना वेस्ट जो यहाँ पर माउंटेनिंग करने आते हैं या फिर जो पहाड़ों पर मतलब माउंटेनिंग करते हैं उनकी वजह से अभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे कि आप एक कचरा भी वहाँ पर छोड़ रहे हैं। लगभग 8,848 मीटर, हालांकि ये 8,850 मीटर दिखाता है ऑक्सफोर्ड की जो एटलस है वहाँ पर भी, और रियलिटी में भी 8,850 मीटर दिखाता है। तो यहाँ 8,848 इन्होंने क्यों लिखा है ये समझ से परे है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो 8,850 मीटर ही है वो, क्योंकि 2 मीटर का इंक्रीज देखने को मिला है। तभी तो हम बोलते हैं हिमालय जो एक नवीन और वलित पर्वत है, नवीन और वलित पर्वत का मतलब वो ग्रोथ हो रही है। ठीक है, लगातार वो बढ़ रहा है, तो इसी कारण अगर वो स्टेबल हो जाएगा तो फिर इसका स्ट्रक्चर ज्योग्राफिकली चेंज हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स आज के द हिंदू का एनालिसिस, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। धन्यवाद, जय हिंद।